हेलो दोस्तों, कैमन छो? मजा में छो? मैं भी मजा में छो। और आज तुम लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ गुणनखंड, जिसको इंग्लिश में हम लोग फैक्टर बोलते हैं। हर क्लास के लिए है, 8 क्लास के लिए है, 7 क्लास में भी जरूरत पड़ता है कभी कभी, 9 क्लास, 8 क्लास, 10 क्लास के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कॉम्पिटिशन में भी आता है। तो मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, सो टेक्निक तो नहीं बताऊंगा, और डिटेल में बताऊंगा, सो टेक्निक कॉम्पिटिशन में बता दूंगा। तो इसमें हम लोग देखो पढ़ेंगे हम लोग कि गुणनखंड कैसे किया जाता है, कोई भी इस तरह का मैथ बहुत ज्यादा आता है। तो यहाँ पर ध्यान दोगे, मैं बहुत सारा तरीका बता रहा हूँ, फॉर्मूला भी बता रहा हूँ, और तुम लोगों पर ध्यान देना है कैसे इसको करेंगे, ठीक है? तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे बात को समझना, हम लोग को क्या करना है, हम लोग कैसे पढ़ेंगे वो गुणनखंड है। तो पहले तो देखोगे ए यहाँ पर एक्स स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पर या तो एक्स रहेगा, कोई भी अंक दिया रहेगा, वर्ड, ठीक है, ओ रहेगा, और यहाँ पे नॉर्मल वर्ड रहेगा, इसको हम गुणनखंड बोलते हैं। यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे एक्स रहेगा, या यहाँ पे कुछ भी रहेगा, अल्फा बीटा वर्ड रहेगा, उसके स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे नॉर्मल वर्ड रहेगा, अल्फा बीटा वर्ड, यहाँ पे जो रहेगा वही भी है, ये भी, यहाँ पे जो रहेगा यहाँ पर भी वही रहेगा, यहाँ पे नॉर्मल वर्ड होगा। तो इस तरह का हम लोग गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए वाला जो वर्ड होता है ना, इसको हम इस तरह से तोड़ेंगे ना, इसको लास्ट वाले वर्ड को हम लोग इस तरह से तोड़ेंगे, उस वर्ड को या तो प्लस करके या तो उसमें माइनस करके बीच वाला आना चाहिए, और उन दो इसको जो टूटा हुआ भाग को अगर इंटू करेंगे तो हमको यही आना चाहिए। मतलब इसको हम इस तरह से तोड़ेंगे कि उन दोनों वर्ड को गुणा करेंगे, मल्टीपल करेंगे, तो ये लास्ट वाला आएगा, और उन दोनों में से या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, तो बीच वाला आना चाहिए। अगर कहने का मतलब देखो क्या है, जैसे कि 6 को हम लसा लेके कर सकते हैं एलसीएम, इसको 2 से घटा, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार, ठीक है? तो देखो ये 6 किसमें टूटा, 2 और 3 में टूटा ना, तो देखोगे ऐसे कर देंगे, 3 और 2 को जोड़ो तो कितना जाए, 5 आ जा रहा है, देखो बीच वाला आ गया 5, और 3 और 2 में गुना करो, 3 दूनी 6, तो लास्ट चला गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से कर समझते, समझ में आया? तो यहाँ पे ध्यान दोगे तुम लोग कैसे करना है। ठीक है, तो देखो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर का साइन देंगे, ये एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ये प्लस लिखेंगे, 5 पे जगह क्या लिखना है, 3 प्लस 2, 3 और 2, एक्स का एक्स, ये प्लस का प्लस, 6 का 6, ठीक है? तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, ये देखो प्लस, और यहाँ पे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस होता है, प्लस प्लस प्लस, जो फिर 3 में ये एक्स से गुना करेंगे, 3 में एक्स करेंगे तो 3x, ठीक है? फिर देखो ई प्लस को ई प्लस करेंगे, प्लस में प्लस इंटू करेंगे तो प्लस, फिर ये 2 में एक्स रहेगा तो 2x प्लस 6, फिर से बोलते हैं हमको क्या करना है, ए साइन को ए साइन में गुणा करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, तो प्लस में प्लस से प्लस, और 3 में एक्स करेंगे तो 3x, फिर ये प्लस में इससे प्लस से प्लस, फिर 2 में एक्स रहेगा तो 2x प्लस 6 हो गया। अब ये दोनों में मतलब क्या कॉमन आएगा, कॉमन में जो दोनों में मिलता है, तो देखो यहाँ पर एक्स 2 स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर 3x है, तो दोनों में एक्स मिल रहा है, यहाँ से एक्स निकालेंगे, एगो एक्स निकाल दिया तो एगो एक्स बचा, प्लस का प्लस, यहाँ से एक्स निकाल दिया तो 3 आ गया, ठीक है? प्लस ये प्लस, यहाँ पे क्या कॉमन जा रहा है, तो कॉमन मतलब जो एक ही के पर में दोनों आना चाहिए, तो 2 के पर में तो आ रहा है ना, मतलब कोई ऐसा कॉमन जाता है जो दोनों आना चाहिए वो वर्ड के पर में, जैसे देखो 2 के पर में 2 आ रहा है, 2 के पर में 6 आ रहा है, मतलब 2 कॉमन जाएगा, यहाँ से 2 निकाल दिया, यहाँ पे क्या बचा एक्स, 2 के पर में कितना में 6 आता है, 3 बार में, यहाँ पे आ गया, क्लियर? अब देखो अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है ना, एक्स और एक्स प्लस 3, 2 और x+3, दोनों में क्या कॉमन जाएगा, x+3 x+3 कॉमन चल जाएगा, x+3 निकल गया, x+3 x+3 निकाल लेते, क्या बचेगा, इसको ढक दो, क्या बचेगा हमारा, x+2 x+2, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है? तो ये हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ऐसे में आ गया, इसको मिटा लो, और एक स्टेप और थोड़ा सा छोटा करना, जल्दी करना, इसको मैं ऐसे निकाल लो, इसको मिटा लो। दूसरा देखो तरीका क्या है, दूसरा तरीका है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर करेंगे, और 3 और 2 था ना, तो देखो ये क्या करेंगे, जोड़ने पे ये 3 है ना, 3 में एक बार एक्स गुना करेंगे 3x, और 2 में एक बार एक्स करेंगे तो 2x प्लस 6, ठीक है? इस तरह से यहाँ देखो हो गया, तो इस तरह से हम लोग कर देंगे, ये कर दिए, ये 3x और ये 2x, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फिर कॉमन क्या लेंगे, वही से एक्स, यहाँ पे बचा एक्स प्लस, यहाँ बचा, यहाँ पे क्या बचा 3 प्लस, यहाँ पे क्या कॉमन जाएगा 2, यहाँ बचा एक्स, और 2 के पर में कितना 6 आता है, 3 बार में आ गया, फिर कॉमन ले लेंगे, x+3 x+3 मिल रहा है ना,
निकल लेंगे। और यहाँ पे क्या बचा, एक्स प्लस, ठीक है हो गया आंसर। ये हम लोग कर सकते हैं ऐसे शॉर्ट में, जल्दी से तुम कर लो, मिटाते हैं इसके बाद और बताएंगे। तो एक और मैं देते हैं, तो इसको तुम लोग करो, इसको क्या करेंगे हम लोग, क्या बताए थे इसको इस तरह से तोड़ना है 14 को कि टूटा हुआ वर्ड को जोड़ेंगे या उसमें घटाएंगे तो बीच वाला आना चाहिए, और टूटा वर्ड को गुना करेंगे तो ए वाला आना चाहिए। 14 को हम लोग एलसीएम करके कर सकते हैं, अगर ऐसे तुम नहीं जानते हो तो कर सकते हो। दो से करो, दो में सात से, ठीक है सात से एक बार में, देखो दो में सात जोड़ो नौ, नहीं हो रहा ना, नहीं तो यहाँ पे क्या करो हम लोग, सॉरी नौ कर देते हैं, ठीक है चलो यहाँ पे करो दो में सात जोड़ो नौ आ जाए, और दो में सात गुना करो 14 आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस इसकी जगह सेवन बड़ा वाला पहले लिखोगे प्लस टू ए एक्स प्लस 14, क्लियर, एक्स स्क्वायर प्लस 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 सेवन में एक्स करेंगे तो सेवन एक्स प्लस 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 सेवन में एक्स करेंगे सेवन एक्स, फिर प्लस 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 टू में एक्स करेंगे तो टू एक्स प्लस 14 हो गया। फिर इन दोनों में से क्या कौन आएगा, एक्स, यहाँ से एक्स से निकालेंगे एक्स बचेगा प्लस, यहाँ पे यहाँ से एक्स निकलेगा एगो एक्स बचेगा, और यहाँ से एक्स निकलेगा तो सेवन बचेगा प्लस, फिर इन दोनों में क्या कौन जाएगा, दो के ऊपर में दोनों आ रहे हैं तो दो निकालेंगे, यहाँ पर एक्स बचेगा प्लस, और यहाँ से दो निकल दो ऊपर में कितना बनाएगा सात बार में, क्लियर। अब देखोगे इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो एक्स प्लस सेवन, यहाँ देखो यहाँ पर जो आएगा यहाँ पर वही आना चाहिए, तो फैक्टर गलत है, ठीक है उससे क्या बचा, इसको ढक देंगे, ढक देंगे तो एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू, ठीक है हो गया। देख लो इसको कर लोगे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, चलो जल्दी से इसको करो, मिटाते हैं या तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं हम लोग, ए एक्स स्क्वायर प्लस इसको कैसे करेंगे, टू टू प्लस सेवन हुआ था ना, टू इंटू सेवन, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं टू एक्स प्लस सेवन एक्स कर सकते ना, एक बार एक्स को इसके संग एक बार एक्स को और प्लस 14, अब इन दोनों से कॉमन क्या आएगा, एक्स आएगा तो क्या बचेगा एक्स प्लस टू, यहां से क्या आएगा सेवन आएगा ना, सेवन के बराबर दोनों आता है, यहाँ पर बचेगा एक्स, यहाँ पर सेवन के बराबर कितना है दो, पाँच एक ही आएगा, यहाँ पर कितना है एक्स प्लस टू कॉमन हो जाएगा ना, और बचा यहाँ पर क्या एक्स प्लस सेवन, एक्स प्लस सेवन तो आंसर वही आएगा, ठीक है अब देखो कर लोगे अच्छे तरह से, ठीक है चलो इसको जल्दी से मिटाते हैं उसको ये करेंगे। देखो तो माइनस वाला रहेगा तो कैसे बनाएंगे हम लोग, ध्यान दो, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, तोड़ो दस को, दस को कैसे टूटेगा, पांच से तोड़ते हैं, पांच दुनी दो, दुनी दो से भी कर सकते हो, तो यहाँ पर देखो पी है कोई बात नहीं, पी रहे एक्स रहे एम रहे वो बात एक ही है, ये करेंगे तीन जगह पे क्या लिखेंगे, अगर इस बार कहते हो पांच में दो से गुना करेंगे तो दस आ गया, अब पांच में से दो जोड़ेंगे तो सात आ गया, यहाँ पे तीन क्या है तो हम लोग क्या बोलेंगे जोड़ कर गया तो घटा कर गया, तब घटाएंगे पांच में से तीन का दो घटाओ तीन आ गया ना, तो इस तरह से हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखो हम लोग एक क्या करेंगे, यहाँ पर फाइव माइनस टू, ठीक है और यहाँ पर पी का पी यहाँ पर टेन, ठीक है यहाँ पर पी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पर कुछ नहीं होता प्लस माइनस, फाइव में एक्स करेंगे तो फाइव सॉरी फाइव में पी से करेंगे तो फाइव पी, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर टू में पी से करेंगे तो टू पी, फिर माइनस टेन, ठीक है यहाँ पे देखो क्या कॉमन जाएगा, पी जाएगा ना, यहाँ पर भी पी स्क्वायर है, पी यहाँ फाइव पी स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ फाइव पी है, तो एक टू पी निकाल लो, यहाँ पे एक टू पी बचा माइनस, यहाँ से पी निकाल लेगा तो पाँच बचा, यहाँ पे क्या कॉमन जाएगा प्लस का तो प्लस है, दो के ऊपर में दोनों आ रहे हैं दो जाएगा, यहाँ पर पी माइनस का माइनस, यहाँ पर दो के ऊपर में पांच बार में हो गया, ये दोनों कॉमन आ रहा है मिल रहा है तो मार देंगे नहीं निकाल लेंगे, और क्या बचा इसको ढकेंगे तो पी प्लस टू आंसर आ गया, इट इज सो सिंपल। ये जानना बहुत जरूरी है हम लोग को फैक्टर, ठीक है फैक्टर से बहुत काम आता है हम लोगों को, ये हो गया चलो इसको मिटाते उतार लो। देखोगे एक इस तरह का है, इसको कैसे बनाओगे,
देख कर घबरा गए क्या? घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसको देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसको भी करेंगे इजी, दो में क्या करेंगे, दो से करेंगे एक बार में, इस बार एक को ले लेंगे, इस बार एक को ले लेंगे, दोगे क्यों लेंगे, अच्छा ले लेंगे, इसमें इसमें देखो क्या है, एक से एक बार में आएगा, क्योंकि देखो इसमें दो में एक जोड़ोगे, दो में एक से गुना करोगे तो दो आ गया, और दो में से एक जोड़ोगे तो तीन आएगा, लेकिन यहाँ तो एक है ना, कुछ नहीं देखो, अगर इसके सामने कुछ नहीं मतलब एक माना जाता है, क्या माना जाता है, एक, तो दो में से एक घटाओगे तो एक आ गया ना, इसको एक को लिखते नहीं हम मान लेते, तो करेंगे ऐसे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस नंबर टू माइनस वन और एक्स का एक्स माइनस टू, ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 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 टू में एक्स करेंगे तो टू एक्स प्लस माइनस माइनस वन में एक्स तो वन एक्स, तो वन एक्स में एक्स लिखते, तो ठीक है, यहाँ पे देखो हो गया, अरे इन दोनों में क्या कॉमन जा रहा है, इन दोनों में एक्स या सेम एक्स में एक एक्स बचेगा प्लस एक्स निकला दो बचेगा, यहाँ से क्या कॉमन जा रहा है, कुछ नहीं कुछ नहीं कोई कुछ कॉमन, तो हम लोग एक लिखेंगे, माइनस का माइनस एक, ठीक है, एक ले लिया ना, एक ले लिया यहाँ, तो एक अगर ले लेते हैं यहाँ को दोनों ऐसे उतारेंगे एक्स, लेकिन एक बात ध्यान दोगे, अगर यहाँ पर देखो माइनस कॉमन है ना, ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो बस ये बात याद रखोगे, ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस रहा और कॉमन ले लेंगे तो यहाँ का साइन चेंज होगा प्लस होगा, यहाँ पर अगर माइनस रहा यहाँ का साइन प्लस रहा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है, अगर यहाँ माइनस रहा तो यहाँ प्लस रहा, प्लस माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर माइनस रहा यहाँ पर माइनस रहा ये वाला यहाँ प्लस में हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से दोगे तो ए और ए कॉमन लेने, तो ये दोनों सेम रहेगा ना, तो गलत है, एक्स प्लस टू क्या बचा उसका, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस हो गया, ठीक है, चलो इसको लिखो, कर लिया इसको उतार मिटाते हैं हम लोग, एक तरह का हो गया, और एक और एक तरह का और बचा होगा जो करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इसको बना जल्दी से बना, तो ये इजी, इसको हम डायरेक्ट करते, ठीक है, तो ए 8 को तोड़ू, चार 4 × 2 चार दूनी 8, चार में दो से, चार में से दो घटाएंगे तो देखो दो आ गया ना, तो डायरेक्ट करेंगे ए स्क्वायर माइनस और अब प्रोसेस बनाएंगे, देखो 4 ए का ए नहीं, हम लोग ऐसे करते हैं 4 − 2 ए का ए माइनस ए, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4 में ए से करेंगे तो 4a माइनस माइनस प्लस 2 में ए से करेंगे तो 2a माइनस, ठीक है, ए क्या कॉमन जाएगा, ए जाएगा यहाँ पर, ए बचेगा यहाँ पर, अच्छा बस यहाँ पर क्या जाएगा, दो दो जगह यहाँ पर ए और दो के बराबर कितना बन गया 4, ठीक है, देखो ए ए कॉमन आ गया, ए माइनस 4 क्या बचा हो, ए प्लस 2 तो प्लस, समझ में आ गया, कर लेंगे छाप लो, चलो जल्दी से सब तरह का प्रैक्टिस करो, ठीक है, ध्यान दोगे यहाँ पे अच्छी तरह से, ठीक है, बताते हैं तो एक नया तरह का गुणनखंड बताते हैं, देखो अगर इस तरह का रहेगा तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, बहुत अच्छी तरह समझना यहाँ पे, कि देखो यहाँ पे एक्स के सामने दो आ गया है, अब तक हम लोग का ऐसा नहीं था, हम लोग अगर इस तरह का आ जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे, इस चार में दो से गुणा करेंगे, कितना आएगा 8, लेकिन 8 को लिखना नहीं है, अब इस 8 को तोड़ना है, तो 8 को तोड़ो 2 से 4 बार में, देखो ये 4 आ गया ना, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार, यहाँ पे सेट में हम लोग करेंगे, तो 2 में 2 से गुणा करो 4 और ई 2, ठीक है, 4 में से 2 घटा बिचौल आ गया, 4 में 2 करो तो 8 आ गया, तो यही जो 4 से इसमें गुना किया था ना, जो 8 आया था, तो ये गुना करके 8 आना चाहिए और जोड़ घटा करके बीच आना चाहिए, मतलब गुना करके 8 आना चाहिए और जोड़ घटा करके बीच आना चाहिए, यही हम लोग करेंगे, ठीक है, समझ आ गया ना, मतलब ये 4 में 2 से गुना करेंगे 8, तो इसको इसको गुना करके 8 आ गया ना, तो हम लोग इसको इस तरह से तोड़ेंगे कि गुना करके 8 आना चाहिए लेकिन जोड़ घटाओ करके बीच आना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग करो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है, तो देखो हम लोग करते हैं 2x² माइनस क्या किए थे, 4 में 2 ना, 4 में से 2 कटेंगे तो x का x माइनस 4, ठीक है, अब करो 2x² माइनस प्लस माइनस 4 में x करेंगे तो 4x माइनस माइनस प्लस 2 में x करेंगे तो 2x माइनस 4, ठीक है,
तो यहाँ से क्या रकम बन जाएगा, तो दो को पारा में दोनों आ रहे हैं ना टू, और यहाँ पे एक से दो को, यहाँ पे एक से एक हो रहे, तो एक से भी जाएगा, ऐसे दो निकला और एक से निकला, एक तो एक से बचेगा माइनस का माइनस, यहाँ पे दो निकल गया तो बचा दो और एक से निकल गया, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा देखो दो जाएगा, तो यहाँ से दो जाएगा तो बचा एक्स, और ये माइनस माइनस ऐसे दो जाएगा तो दो, देखो एक कॉमन आ जाएगा ना, एक्स माइनस टू बचा क्या टू एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू आंसर हो गया, बता लो जल्दी सर, मिटाते हैं एक और देते हो गया, अब हो गया तुमको गुणनखंड, देखो यहाँ पर देखो बड़ा बड़ा कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है, तो देखो 80 का अनुलासा लेंगे, ऐसे तो तुम लोग जानते हो, 100 टेक्निक बताते हैं, 2 से कटाएंगे 40 बार में, 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, 5 से 1 बार, तो हम देखो गुना करके भी चेक करेंगे, पहले 2 में 2 से गुना करो, 2 में 2 से 4, फिर 4 8 और 16, 16 आया और यहाँ पर 5, ठीक है, तो 16 में 5 जोड़ोगे तो 21 आ गया, 16 में 5 से गुना करोगे 10 आ गया, तो ऐसे हम लोग सेट करेंगे, या 80 गुना करो ऐसे माइंड में, अगर हम लोग याद रहेगा तो 16 को तोड़ो 16 25 से, मतलब 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21, और 16 में 5 से गुना करेंगे तो 80, तो ऐसे हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर थोड़ा तेज रहे तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है, तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 16 और प्लस 5, और यहाँ पर एक्स और यहाँ पर 80, ठीक है, करो एक्स स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, 16 में एक्स रहेंगे तो 16x प्लस प्लस प्लस, 5 में एक्स रहेंगे तो 5x प्लस 80, ठीक है, कर यहाँ से क्या कॉमन जाएगा एक्स, ठीक है, यहाँ पर बचेगा एक टू एक्स प्लस, यहाँ से क्या जाएगा एक्स, तो बचेगा 16 प्लस, यहाँ से क्या जाएगा 5, क्योंकि 5 के पावर में आता है 80 एक्स, और यहाँ पर कितना बने 16 बचेगा, ठीक है, क्योंकि 80 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 5, 5 निकल गया तो क्या बचा 16, एक्स प्लस सोलह, एक्स प्लस सोलह ना, और क्या बचेगा एक्स प्लस फाइव, हो गया आंसर, चलो कर लो, करो जल्दी से, हो गया फैक्टर, चलो यहां पे देखो, देखो बस मैं फैक्टर का हर चीज तुम लोगों को बता दिया, ठीक है, अगर शॉर्ट टेक्निक जरूरत पड़ेगा तो हम बताएंगे, अभी शॉर्ट टेक्निक का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो, और देखो पढ़ते रहो, नॉलेज लेते रहो, नॉलेज कलेक्ट करना बहुत जरूरी है, छोटे छोटे चीज ही तुम लोगों को क्या करेगा बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा, इसलिए छोटे छोटे चीज पे ध्यान नहीं देना है, जहां से तुम लोग को मैथ मैंने लगे मिले उसको बनाते रहो, क्योंकि यही छोटा छोटा चीज आगे में तुमको जरूरत पड़ेगा, और अभी अगर नहीं पढ़ोगे तो लास्ट में जाके एंड में जाके जब तुमको महसूस होगा, फील होगा कि हमको जॉब का तैयारी करना चाहिए, तब तुमको प्रॉब्लम होगा, उस समय कोई भी टीचर बेसिक को नहीं बताते उतना अच्छी तरह से, बस ऊपर ऊपर बताएंगे और चल जाएंगे, क्योंकि उसमें अगर बेसिक बताने गए तो फिर बहुत सारा टाइम लग जाएगा, और एक रूम में एक क्लास में एक तो बच्चे नहीं रहते, बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, इसलिए मैं यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि तुम बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, और ये मैं जितना भी बताया इसको प्रैक्टिस करके रखो, और मैं बाद में मैं दे दूंगा कुछ प्रैक्टिस करने के लिए बाद में, ठीक है, जब जीरो मेथड भी कराऊंगा उसमें दे दूंगा, तुम लोग करते रहना, पहले इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना और देख के बहुत सारा मैंने कोशिश करो कि इसको एक करने के लिए, ठीक है, या ठीक है समय है ना, चलो ठीक है, मिलते हैं हम लोग बाद में, टाटा बाय।